ये एनसीईआरटी की बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये आती है सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। जो अभी हमने सेल्फ इंडक्शन या कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन पढ़ा एल, वो एल किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये बताता है। तो सबसे पहले आपको लिखना है, एक सोलेनॉइड को कंसिडर करें जिसकी लेंथ बहुत बड़ी है आर से, यानी कि इट्स अ लॉन्ग सोलेनॉइड। एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बी का फॉर्मूला सोलेनॉइड में क्या होगा, म्यूनिट एन आई। मैग्नेटिक फ्लक्स इस सोलेनॉइड के एक टर्न का क्या होगा, बी इंटू एक टर्न का एरिया। तो बी की वैल्यू कितनी है, म्यूनोट एन आई इंटू एक टर्न का एरिया। ये फ्लक्स कितने टर्न्स का है, एक टर्न का। ऐसे सोलेनॉइड में कितने टर्न्स हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो पूरे सोलेनॉइड का टोटल फ्लक्स क्या होगा, एक टर्न का फ्लक्स इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो इसके अंदर ये जो है एक टर्न का फ्लक्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में क्या करेंगे, एन इंटू एल। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स निकाल दिया आपने, कैसे निकाला, पहले एक टर्न का, फिर एन से मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स का। लेकिन जो फॉर्मूला हमने ये किया था, फाई इज एल आई, इसमें फाई का मतलब होता है स्ट्रेट वे टोटल फ्लक्स, ईच टर्न का नहीं, पूरे सोलेनॉइड का टोटल फ्लक्स। तो जब भी ये फॉर्मूला यूज करना है, इसको एन से कभी मल्टीप्लाई नहीं करना, इसके अंदर एल के अंदर ऑलरेडी नंबर ऑफ टर्न्स इंक्लूडेड होते हैं। तो इसके अंदर ये टोटल फ्लक्स है, तो टोटल फ्लक्स निकालने के दो तरीके हैं, या तो ये तरीका या ये तरीका, दोनों को इक्वेट करते हैं, करंट से करंट कैंसिल, एल की वैल्यू आ गई। तो ये फॉर्मूला नोट करें एल का। तो एल किस पे डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स पे, पर यूनिट लेंथ पे, लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। तो एल का फॉर्मूला नोट करें, न्यूमेरिकल में काम आएगा। वेयर स्मॉल एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। लेकिन एन का मतलब क्या है, स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर आप इस स्मॉल एन को यहां पे पुट कर दें एन बाय एल और स्क्वेयरिंग करें, सॉल्व करें, तो दूसरा फॉर्मूला आएगा एल का, ये फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स है, ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स है। दोनों फॉर्मूला नोट करें प्लीज। तो एल के दोनों फॉर्मूला नोट करें। और अगर क्वेश्चन में ये आ जाता है कि अगर मान लो ये सोलेनॉइड एक सॉफ्ट आयरन के ऊपर लपेटा गया है, तो आप जो भी आपने दो फॉर्मूलाज किए उसमें म्यू नॉट के आगे मल्टीप्लाई कर दें म्यू आर। म्यू आर का मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी, इधर भी और इधर भी, दोनों जगह इसमें इंक्लूड करें। फॉर्मूला नोट कर रहे हैं प्लीज, ये भी फॉर्मूला नोट कर लें।